लॉकडाउन 4 में कुछ रियायत दिए जाने के बाद दारुल हुकूमत पटना करीब महीने भर बाद पुरानी रंगत में लौटता नजर आया है, जहां पर रियायतों के साथ इनकम टैक्स गोलंबर पर लोगों की भीड़ बढ़ गई। हालांकि माइकिंग के जरिए लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के बारे में बताया जा रहा है। जायजा लिया जी मीडिया रिपोर्टर प्रीतम कुमार ने। तकरीबन एक महीने के बाद बिहार अपनी पुरानी रंगत में लौटता दिख रहा है। दरअसल सरकार के नए निर्देश के मुताबिक 8 जून तक लॉकडाउन तो रहेगा, लेकिन इस दौरान जो दुकानें हैं उनको अल्टरनेटिव डे के आधार पर खोलने की अनुमति दी गई है। आज बुधवार है और लिहाजा आज जो है वो जो फर्नीचर की दुकान है, जो बिजली की जो सामान वाली जो दुकानें हैं वो आज से खुलेंगी। और जो सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू की है, एक प्रकार से अनलॉक ही कहा जा सकता है, उसका असर जो है राजधानी पटना की सड़कों पर देखा जा सकता है। लोगों की भीड़ जो है सड़कों पर आनी शुरू हो गई है। ये जो आप पूरा मंजर देख रहे हैं, ये मंजर जो है राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहे का है, जहां पे आप देखिए कि अभी 8 बजे हैं, लेकिन लोगों की भीड़ जो है सड़कों पर दिख रही है। गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है और इसके हिसाब से पुलिस ने भी अपनी चौकसी बढ़ाई है। जो पटना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार वाहनों की जांच कर रही है। ये धावा दल है, इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को सचेत किया जा रहा है कि जो सरकार ने कानून बनाए हैं, जो नियम बनाए गए हैं लॉकडाउन को लेकर, उस नियमों को माने। दुकानें 2 बजे तक खुली रहेंगी, लिहाजा वो इस निर्देश को माने। आज अनलॉक की प्रक्रिया का पहला दिन है, लिहाजा आज पुलिस के लिए प्रशासन के लिए परीक्षा होगी कि पहले दिन के वो किस तरीके से नियमों का पालन करा पाती है। कैमरा पर्सन ज्ञानाथ ओझा के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया पटना।